टू माई ब्लॉग। यार थर्सडे था और कल फ्राइडे, तो फ्राइडे को होती है शेरी यार को छुट्टी, तो हम दोनों थर्सडे को जाते होते हैं घूमने फिरने, क्योंकि यहाँ संडे की छुट्टी नहीं होती होती, फ्राइडे की छुट्टी होती होती है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर थर्सडे को प्रेफर करते हैं, ताकि अगर लेट नाइट हो भी जाए तो सुबह ड्यूटी के लिए इशू ना हो और छुट्टी होती है। तो यार निकलते निकलते हम दोनों पहुँच गए मेट्रो स्टेशन पर करवा से। और यार जब भी मैंने तुम लोग को बताया था, हमारा ये लक होता है कि हम लोगों को हमेशा मेट्रो में जो है वो फर्स्ट सीट मिलती है। इस दफ़ा हम दूसरी साइड से एंटर हुए थे और तब भी हमें दूसरी सीट मिलती है। सबसे पहले हमने अपने मेट्रो के कार्ड को रिचार्ज किया था, उसके बाद हमने चेक किया था कि यार उसके अंदर बेचारे के अंदर 2 रियाल बचे हुए थे, मेरे के अंदर भी और शेरिया के अंदर भी, तो हम दोनों ने सबसे पहले उसके अंदर जो है वो पैसे दिलाए थे और हमारे पास खुले पैसे भी नहीं थे यार। तो फिर हमने क्या किया, हमने इनसे कहा कि भैया हमारे कार्ड्स जो हैं उसमें वो कर दें, क्योंकि इनके पास भी कैश नहीं था स्टाफ के पास। तो सबसे पहले हम एंटर हो जाते हैं मेट्रो स्टेशन में, अब हमारा कट गया 1 रियाल। देखो आज हमें मिली थी ये वाली सीट और सामने मिरर भी नहीं था, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइफ में, इस चीज़ों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। दूसरी साइड भी फ्री थी, बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम इसी साइड पर ही बैठेंगे। सच बताऊँ तो हमें कुछ नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बट हमने डिसाइड किया कि हम द पर्ल ऑफ कतर जाएंगे। तो यार ये सबसे प्यारी जगह है कतर की, और तुम लोग अगर ये जगह देख लोगे और ये सिटी देख लोगे तो तुम्हें मतलब कतर से प्यार हो जाएगा। खैर मुझे भी नहीं पता था ये कैसी दिखने में, लेकिन एज़ यूजुअल एज़ मैं कहीं का भी खाना ट्राई नहीं करती, तो मैंने यहाँ का भी खाना ट्राई नहीं किया था। हम बस यहाँ घूमे थे, उसके बाद हमने दोबारा मेट्रो ली और हम दूसरी जगह पर निकले थे जस्ट खाना खाने के लिए। तुम बस जगह को इन्जॉय करो यार, इससे लेवल की जगह मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। मिनी करवा थी, अच्छा करवा वैसे तो पॉइंट्स पे ही रुकती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बहुत छोटी सी बस थी और इतनी क्यूट थी वो, तो इसमें ना थोड़े से बंदों की बैठने की जगह थी, लेकिन ये आपको पूरा का पूरा सिटी घुमाती है, मतलब इसका कोई स्टॉप नहीं होता और जहाँ मर्जी आप इसे चाहो वहाँ से आप इसे ले सकते हो। आप इसका वेट करो, इसका स्टॉप नहीं होता और ये पूरी सिटी में घूमती है और ये आपके लिए लाजमी रुकेगी। तो अगर आप भी कभी द पर्ल ऑफ कतर जो और आपको ये जगह घूमनी हो तो इसी पे बैठना, इसका नंबर है 152 और ये आपको पूरी की पूरी सिटी घुमाती है। और ये मिनी करवा होती है, एक होती है 1010 वो भी है, लेकिन वो जो है वो मेन मेन पॉइंट्स पे रुकती है, जैसे कि हमारी करवा जो वाकरा में चलती है वैसे ही। खैर यहाँ पर शुक्र है इन लोगों ने बहुत से एडवांटेजेस दिए हुए हैं, जैसे कि ये करवा ही इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पर डिसाइड किया था हमने कि अब हम बस से उतरते हैं और हम इस जगह को पैदल ही इंजॉय करते हैं, तो हम यहाँ पर उतरते थे बस से और हमने इस जगह को आराम से देखना स्टार्ट किया। और तकरीबन 20 मिनट की वॉक हमने यहाँ की थी, और ये इतनी खूबसूरत जगह बनी हुई है बहुत, और ये लंदन की कॉपी की है, लंदन हाँ, तो ये लंदन की कॉपी है पूरी की पूरी सिटी, और मतलब इसको बनाया हुआ भी ऐसे है। अगर तुम लोग कभी कतर आओ लाइफ में तो इस जगह पे लाजमी जाना है, यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी तुम लोग ट्राई करना चाहो कर लेना। ये और बात है कि मैंने यहाँ से किसी रेस्टोरेंट पे ट्राई नहीं किया था, बिकॉज मुझे थोड़ा सा खाने का इशू होता है कि ना मुझे बस परफेक्ट खाना चाहिए होता है, और इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती खाने के मामले में। यहाँ नीचे सारा सी है और ना यहाँ बोट्स भी चलती हैं, और पर बंदा एक बोट 30 रियाल था, तो अगर तुम लोग बोट में जाना चाहते हो तो वो भी तुम लोग कर सकते हैं। पूरा तुम्हें ये सिटी घुमाएगा, जिसके पूरे नीचे सारी ब्रिजेस हैं और इनके नीचे पानी है सारा, तो ये बड़ा फिट सा सीन है, अगर तुम लोग देखोगे तुम लोग को बहुत मज़ा आएगा सच में। या ये वो पॉइंट है जहाँ हमारी बस हो गई थी, और हमने सोचा कि ना यहाँ से आगे जाके रूट 12 साइड पर रुकते हैं और ना वहाँ से ना बस स्टॉप का वेट करते हैं, क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया भी है यहाँ पर जगह जगह पर तुम लोग को बसेस मिल जाती हैं, उनके लिए तुम्हें कोई स्टॉप की ज़रूरत नहीं होती कि तुम्हें मेट्रो पर जाने के लिए ये स्टॉप है ये स्टॉप चाहिए। तो यहाँ पर हमें इसी जगह पर ही बस मिल गई थी जिस पर हम आए थे 152, तो हम यहाँ से निकल गए थे सिटी सेंटर दोहा के लिए। यार यहाँ जा जा के मुझे कोई 10 दफ़ा हम लोग यहाँ गए होंगे, और यहाँ की एक एक जगह में
याद हो गया। तो अब हमने सोचा था हम कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे, तो अब यार हम लोग वेट कर रहे थे और इसे तकरीबन 15 मिनट दे थी, और 15 मिनट के नाम पर भी इन्होंने हमें 20 मिनट रखाया, लेकिन कोई नहीं। अब यार अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, तो ये पाकिस्तानी जब मैंने इनसे पूछा था कि ये स्पाइसी होगा, तो इन्होंने कहा हाँ ये स्पाइसी होगा अगर आप कहेंगे तो। तो हमने इनको कहा कि स्पाइसी, और लिटरली जब जैसे हमें कहना होता है ना कि यार स्पाइसी का मतलब होता है सीसी, तो यार ये वैसे वाला ही स्पाइसी था कि ना लेवल और आंखों से आंसू आ जाए वो वाला स्पाइसी। तो बहुत मज़ा आया था इसको खाते हुए, और बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मतलब वर्थ इट था, और ये पहली चीज़ थी जो हमने कतर में खाई थी, और हमें लगा था कि अब हम पाकिस्तान में ही हैं। हमने 3 मटन कबाब ऑर्डर किए थे, और ना इसके साथ हमने 2 नान ऑर्डर किए थे। नान तो खैर रोटियों जैसे थे, लेकिन ना यहाँ पर जो रोटी होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये जो नान थे वो छोटे थे। खैर मैंने इसे डरते डरते ट्राई किया था, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी यहाँ से नान और ना कबाब ट्राई किए थे, तो हमने उनको जब कहा था कि हमें स्पाइसी चाहिए, तो उन्होंने हमें स्पाइसी के नाम पर ग्रीन चिली पकड़ा दी थी। यार ये नहायत जुल्म है, लेकिन कोई नहीं, जब आप किसी पाकिस्तानी जगह पर जाते हो तो आप लोग को फील होता है कि पाकिस्तानी खाना खाना होता है। खैर सबको ट्राई करना चाहिए, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था और था भी पाकिस्तानी। यार तो ना ऐसा सीन था कि ना हमारी ना जो चटनी थी ना वो ख़त्म हो गई थी। सबसे बड़ी बात, इन्होंने हमें चटनी दी थी जब से मैं कतर में रह रही हूँ, और ना हमने ऐसा कुछ भी ऑर्डर किया तो उसके साथ हमें चटनी नहीं मिलती है। पता नहीं क्या कुछ उठा के दे देते हैं, लेकिन ये लोग चटनी नहीं देते, तो इन्होंने हमें चटनी दी थी। और जब ना हमने इन एक्स्ट्रा चटनी की डिमांड की, तो उन्होंने हमें एक्स्ट्रा चटनी दी, जबकि KFC को मैं इस बारे में माइनस पॉइंट दूंगी, क्योंकि जब मैंने उनसे एक्स्ट्रा केचप मांगा था तो उन्होंने मुझसे 1 रियाल मांगा था, और मुझे लिटरली 5 केचप या 4 केचप के लिए जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनके लिए 1 रियाल देना पड़ा था, और यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ा, और ये हमारी एक्स्ट्रा चटनी भी आ गई। तब तक हमारा आधा खाना भी ख़त्म हो गया था, और यार मतलब सच बताऊँगी बहुत अच्छा था। तुम लोग शेर यार की आंखों में आंसू देख के समझ सकते हो कि कितना स्पाइसी था। इसके बाद हम दोनों निकल गए घूमने फिरने और थोड़ा राउंड वगैरह लगाने, क्योंकि हम हो गए थे फुल। और अब हमारी वाई थी शॉपिंग करने की, जो कि हमारा मेन था, इसलिए हम यहाँ आए थे। प्याज लेने थे और ना वेजिटेबल्स फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें लेकर हमने घर जाना होता है, और यही हमारा सैटरडे का सबसे मेन काम होता है। यार तो फाइनली शेर यार को लेनी थी टी शर्ट, और मैंने कहा था कि नीचे K4 हम वहाँ से ले लेते हैं, लेकिन नहीं, हम वापस ऊपर आए और हमने आके मैक्स पर टी शर्ट देखी थी, क्योंकि ये लोग मैक्स की ही पहनते हैं, पता नहीं क्या इशू है भाई सबको। तो मुझे डेफी वाली अच्छी लगी थी, मैंने कहा यार ये डेफी वाली इतनी क्यूट है ये ले लेते हैं, लेकिन जनाब का कहना था कि नहीं इसके साथ नमाज नहीं होती, तो हमने नहीं ली ये वाली। और ना बाकी कोई इतनी चस्की थी नहीं, तो हमने वो भी नहीं ली। कोई नहीं, होता है हमारे साथ ऐसा भी। वापस हम घूम के गए और हमने जाके मैकडोनल्ड से ये वाली आइसक्रीम ली। पहले ये आइसक्रीम जो थी वो 1 रियाल की आती थी, पता नहीं मैकडोनल्ड्स वाले भी चोर हो गए और इन्होंने एक आइसक्रीम 2 रियाल की कर दिया, जबकि 4 रियाल की 2 बंदों की हुई, 4 रियाल का फुल डब्बा आता है बड़े वाला, तो इसे अच्छा हम डब्बा ना ले लेते। लेकिन कोई नहीं यार, कभी कभी ऐसी चीज़ें इंजॉय कर लेनी चाहिए और पैसों को नहीं देखना चाहिए। ये और बात है कि मैंने उसी टाइम कन्वर्ट भी कर लिया था, लेकिन कुछ नहीं होता, अब हो गया तो हो गया। खैर जो सब्जियां वगैरह और ये सारी चीज़ें हमने लेनी थी, उसके लिए हम नीचे K4 पे आए थे, और K4 से हमने अपना वो सामान लिया था। यार ये वाला कंफर्टर मैंने ना 30 रियाल में लिया था, और यहाँ पर 69 रियाल, मतलब कि तुम समझो कि 70 रियाल तक का ये कंफर्टर यहाँ पर लगा हुआ था। तो मतलब इससे अच्छा तो सफारी है कि बंदा जाके वहीं से ले ले, वो मतलब मैंने बताया था वो चीप जगह है यहाँ की, और वहाँ पर ऑफर्स बहुत ज़्यादा लगती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर तुम लोग ऐसी कोई भी चीज़ चाहिए तो तुम लोग वहाँ से जाके ले सकते हो। या ये बॉटल 45, 50, 60 रियाल की थी, और ये जो टेडी बियर तुम्हें तो उदास लग रहा है ना, इसको देख के मैं भी बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि ये 45 रियाल का था। और यार ये जो तुम्हें छोटे छोटे माल्टे नज़र आ रहे हैं ना, छोटे छोटे माल्टे 62 रियाल के हैं भाई, मतलब इनमें ऐसा क्या है कि कोई खा भी नहीं सकता, मतलब ये बंदे की उंगली से भी छोटे हैं, इतने छोटे माल्टा कौन खाएगा भाई, वो भी 62 रियाल में। अस्तग़फ़िरुल्लाह। खैर जल्दी यहाँ से शॉपिंग करके हम दोनों बाहर निकले, और आके स्टेशन पे ट्रेन का वेट करना पड़ा। अक्सर ऐसे होता है कि जब भी हम इतना थक हार के बैठे होते हैं तो हमें ट्रेन लेट मिलती है, फिर ट्रेन टाइम छूटी होती है। इन आंटी के बाल देख के मुझे याद आ गया कि इनके बाल असली नहीं, बल्कि इन्होंने विग लगाई हुई थी। खैर कोई नहीं, ओके, होप सो यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।